हेलो गाइस, वेलकम टू साबरी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज की वीडियो में मैं आपको रजिस्टर की रजिस्टेंस DMM मीटर से चेक करना सिखाऊंगा। दोस्तों, ये हमारे पास में जो रजिस्टेंस रखी हुई हैं, इनकी हमें वैल्यू नहीं पता, ये कितने ओम की हैं। तो DMM मीटर यानी कि डिजिटल मल्टीमीटर से इन रजिस्टर की रजिस्टेंस किस प्रकार से चेक की जाती है, आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बिना स्किप किए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये एक रेजिस्टेंस चेक करके देखते हैं, ये कितने ओम की है। इसके लिए ये आप देख रहे हैं मल्टीमीटर में, ये ओम का सिंबल बना रहता है। इसी वाले सेक्शन से हमारी रेजिस्टेंस चेक होती है। तो इस वाले सेक्शन में हमें सबसे पहले 200 पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम रजिस्टर की दोनों टर्मिनल पे हम मल्टीमीटर की प्रोब लगा के चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, रीडिंग अभी कोई भी शो नहीं हो पा रही है। जब रीडिंग शो ना हो तो आप आगे के लिए स्लाइड कर देंगे, यानी कि ये हमें अब 200 से 2000 पे सिलेक्ट करना है। जब 2000 पे आप सिलेक्ट करेंगे तो देखिए 989, तो ये हमारी 989 ओम यानी कि 1000 ओम की है, क्योंकि 989 ओम का कोई भी रजिस्टर कंपनी नहीं बनाती। तो ये हमारा रजिस्टर जो है वो 1000 ओम का है। चलिए अब हम दूसरा वाला रजिस्टर चेक करके देखते हैं। ये दूसरा रजिस्टर है, इसकी भी हमें रजिस्टेंस नहीं पता। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले इसको भी 200 पे सेट करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही है। जब रीडिंग ना आए तो आप एक स्लाइड और आगे के लिए बढ़ा देंगे, 342, यानी कि दोस्तों ये 330 ओम की रेजिस्टेंस है, क्योंकि 340 ओम की कोई भी कंपनी नहीं बनाता। चलिए हम अब दूसरी रेजिस्टेंस की बात करते हैं। फर्स्ट लैग इसकी रेड है, रेड सेकेंड भी रेड है, तीसरी ब्लैक है। वैसे तो कलर कोड के हिसाब से दोस्तों ये 220 ओम की हो रही है। चलिए मीटर से भी इसको टेस्ट करके देखते हैं ये कितने ओम की है। रजिस्टेंस के टर्मिनल पे हम मल्टीमीटर की प्रोब्स लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, 221 ओम। तो ये वाली रजिस्टेंस हमारी 221 ओम की है। उसके बाद हम एक और रजिस्टेंस चेक करके देखते हैं। ये रजिस्टेंस की भी वैल्यू हमें नहीं पता, ये कितने ओम की रजिस्टेंस है। ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। चलिए इसको भी हम टेस्ट करके देखते हैं। दोस्तों ये हमारी 67 ओम की है। तो ये वाली भी रेजिस्टेंस हमारी चेक हो जाती है। दोस्तों अब हम कोई ज़्यादा ओम की रेजिस्टेंस लेते हैं, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, जैसे कि के में होना चाहिए। इसके लिए हम ये वाली रेजिस्टेंस देखते हैं। दोस्तों इसका कलर कोड कुछ इस तरह से है, आप देखिए येलो, वायलेट और रेड। इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। तो इसको हम लगाते हैं मल्टीमीटर की प्रोब पे। ये देखिए दोस्तों, कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा। तो इसको मल्टीमीटर को थोड़ा आगे की ओर स्लाइड कर देंगे। ये देखिए 4.70। अब यहाँ से हमारा 4.70 मल्टीमीटर में तो शो हो रहा है, लेकिन ये 4.70 ओम की नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर पे के लगा रहता है, और के का मतलब होता है 1000, यानी कि 4.7 में 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4700 ओम की हो जाएगी, या कह सकते हैं 4.7 के की, या फिर 4700 ओम की। तो ये वाली रेजिस्टेंस हमारी क्लियर हो गई। उसके बाद एक और हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं हाई वैल्यू की, जो कि हमारी 20 से भी प्लस में जाए। ये रेजिस्टेंस है, हमें इसका भी वैल्यू नहीं पता। तो हम मल्टीमीटर से ही इसको चेक करके देखेंगे ये कितने वैल्यू की है। तो मल्टीमीटर की रेंज को मैं 20 के पे ही रहने देता हूँ, और चेक करके देखते हैं कोई रीडिंग आती है नहीं आती। देखिए दोस्तों, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आ रही है। तो इसके लिए हम मल्टीमीटर को एक और स्लाइड कर देंगे, तो ये हमारा पहुंच जाएगा 200 के पे। अब हम 200 के पे इसको टेस्ट करके देखते हैं, 67.4 के। दोस्तों इसकी रीडिंग 67.4 के है, और ये हमारा सेट हो रहा है 200 के की रेंज में। तो ये रेजिस्टेंस हमारी 67 किलो ओम की है, यानी कि 67000। तो ये हमारी इस तरह से चेक कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस चेक करें तो आप रेजिस्टेंस को हाथ से ना पकड़ें, ना आपकी रेजिस्टेंस गलत वैल्यू शो कर सकता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, मैंने इसमें उंगली लगाई है तो उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो एक साइड आप पकड़ सकते हैं, दूसरी साइड नहीं पकड़ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप रजिस्टर की रजिस्टेंस मल्टीमीटर या DMM मीटर से चेक करना सीख गए होंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।